डियर स्टूडेंट्स वेलकम। अज का जो अपना टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद दियाँ किस्म। फर्स्ट है लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद। इस किस्म का जो नारीवाद है वह समाज की जिहड़ी मुखधारा है वो स्ट्रक्चर के अंदर औरतों एकीकृत करन मीनस इंटैग्रेट करन ते इसनू जिहड़े व्यक्तिगत औरतों के अधिकारां लई वधेरे जिम्मेवार बनाउण दा काम करदा है। पर यह फैमिनिज़म की जिहड़ी आइडियोलॉजी है उहनू सीधे तौर पर किसी भी तरह का चैलेंज नहीं करती। यह सुनिश्चित करन लई, सुनिश्चित मीनस व्यवस्था बनाउण दे लई, सही सिद्ध करन दे लई जिहड़ा लिबरल फैमिनिज़म है यह नारीवाद दीआं किस्मां दे विचों इक है कि किसी नाल भी उहनां दे लिंग दे आधार ते जिहड़ा कोई भी डिस्क्रिमीनेशन है कोई भी वितकरा वह नहीं हुंदा। जे लिबरल फैमिनिज़म है उहदे विच इह भी इह सुनिश्चित करन दे लई काम करदे ने कि साडा जिहड़ा समाज है वह आम तौर पर औरतां दी रिस्पैक्ट करदा है। औरत जिहड़ी वर्करस हुंदियां ने उहनां द्वारा वख वख तरहां दे मुद्दे भी उठाए गए ने, जिवें कि औरतों के लिए कैरियर हो गया, बराबर पालन पोषण ते लिंग रहित जिहड़ी सिक्ख्या वह दित्ती जानी चाहीदी है। सैकेंड है रैडिकल फैमिनिज़म, रैडिकल नारीवाद। रैडिकल नारीवाद नूं इनकलाबी नारीवाद भी कहा जाता है। इहदे अनुसार जिहड़ा पितरवाद है मीनस जिवें असीं कहिंदे आ कि फैमिली दे विच पिता हुंदा, पिता तों बाद जिहड़ा बेटा है वह सारी जिहड़ी प्रॉपर्टी है उहदा मालिक बणदा है, मीनस इहदे विच कहिंदे वी जो पितरवाद है उह घट देखिआ गिआ है। तो फिर यह भी असमानता का जिहड़ी असमानता पाई जाती है डिससिमिलैरिटीज़ ने उहदा एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। सारे जिहड़े नारीवादी व्यापक लिंग जुल्मां दी व्याख्या ते जिहड़ी इंटर कल्चरल है अंतर संस्कृति दीआं भिन्नतावां नूं समझण दे लई इक इह नमूने हुंदे ने। ते जिहड़ी अजिही सोच है इहनां समस्यावां दा हल भी प्रदान करदी है। औरतां नूं जिहड़े मर्द डोमीनेंस है उहदे बारे जागरूक करना जरूरी हुंदा है ते औरतां दे विच जिहड़ी सैल्फ डिपेंडेंस है वह भी विकसित करनी जरूरी है तां जो वो मेल मैंबर्स दे उपर निर्भर ना हो। नैक्सट है सोशलिस्ट फैमिनिज़म, समाजवादी नारीवाद। जिहड़े सोशलिस्ट फैमिनिज़म वाले ने वो यही मनते कि जिहड़े मर्द ने वह मीनस जिहड़ी मेल डोमीनेंसी है वह लिंग असमानता का मुख स्रोत है। वह की सोचते हैं कि औरतों पर जुल्म इस तत्व तो पैदा होता है कि कुछ औरतां साड़ी सोसाइटी दे विच मेल दे उपर जिहड़े फाइनांस है मीनस वित्तीय तौर के उत्ते डिपेंड कर दियां ने उहनां ते। साडा जिहड़ा पूंजीवादी समाज है कैपीटलिस्ट साड़ी सोसाइटी है उहदा व्यापारक पक्ष भी जिहड़ा मर्दां दी डोमीनेंस है उहनूं दर्शाउंदा है। जिहड़े सोशियोलॉजिस्ट ने वह नारीवादी आदमी अते औरत दे विचाले जिहड़ी आर्थिक ते समाजिक असमानता है उहनूं खत्म करन दी इच्छा रखदे ने। नैक्सट है ईको फैमिनिज़म, ईको मीनस वातावरणी नारीवाद। इस किस्म का जिहड़ा नारीवाद है वह फैमिनिज़म ते इनवायरमेंट का सुमेल है। अजिही विचारधारा दे विच जिहड़ी इकसुरत है वह शामिल है। मनुख नूं कुदरत वांग ही इकसुर होना चाहिए तो यह कुदरत दे विच वधेरे अध्यात्मक भी हुंदा है, स्पिरिचुअल हुंदा है, जिवें कि जिहड़े पितरवादी रवैये ने वह साडी धरती नूं तबाह कर रहे ने। नैक्सट है ब्लैक फैमिनिज़म, ब्लैक फैमिनिज़म मीनस काला नारीवाद। यह एक होर किस्म की जिहड़ी नारीवाद की असंतुष्टि के कारण पैदा होया है। बैल हुक्स ने यह दस्या कि जिहड़ियां कालियां औरतां ने वह नागरिक अधिकारां की लड़ाई में शामिल हुई सी, ते दूसरे पासे जिहड़ियां ऑर्गनाइजेशन सी उहनां दा उहनां दे विच जिहड़े मर्द सी वह डोमीनेट कर रहे सी ते औरतां दे मुद्दयां दे उपर कोई विचार नहीं किया गया सी। इत्थों तक कि जिहड़ियां कालियां औरतां सी वह भी अपने जिहड़े वोट के अधिकार दे लई असफल रही सी। उन्होंने घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी संघर्ष किया, स्कूलों के जिहड़ा लिंगवाद है नस्लवाद है उन्होंने दूर करन दे एफर्ट्स भी किए गए ते दूसरों पर भरोसा करन दी बजाय जिहड़ी अपनी आवाज़ है वह सुनी। नैक्सट है ट्रांसफेमिनिज़म, ट्रांसफेमिनिज़म मीनस परिवर्तनवाद। आम तौर पर जे हुण कोई जनतक भाषण के लिए जिहड़ा ट्रांसलिंग है इस संबंधी की ने नवें मुद्दे ने, यह फैमिनिज़म की वो श्रेणी है जो कि जो फैमिनिस्ट ने उन्होंने विश्वास में ट्रांस जिहड़े ट्रांसजेंडर ने उन्होंने मुद्दों पर लागू करन के लिए
जानी जाती है। ये ट्रांसजेंडर नाल फैमिनिज्म नू मिला नहीं रहा, सगों ये समाजवादी मुद्दों पर जिहड़ी फैमिनिज्म आइडियोलॉजी है उन्हों ये लागू करता है, जिन्हों वर्तमान समय के समाज के जिहड़े ट्रांस लोग ने उन्हों का सामना करना पैंदा है। नैक्सट है पोस्ट मॉडर्न फैमिनिज्म, पोस्ट आधुनिक नारीवाद। हुण जिहड़ा पोस्ट आधुनिक नारीवाद है, कई बार यह उन्हां विचारां रद्द करते हैं जिहड़े औरतों की विशेषतावां मंनदिआं होइआं जो परंपरागत तौर पर मीनस पुराने तौर पर पुरशां दे लई राखवें होए मीनस जिहड़े भी समाजिक अहुदे ने उन्हां नूं प्राप्त करके तरक्की करते हैं। बहुत सारे जिहड़े आधुनिक सिद्धांत ने वो तरक्की दे विचार नूं पूरे तरीके नाल रिजैक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। हुण जिहड़े पोस्ट आधुनिक नारीवादी तरक्की दे पूरे विचार नूं मर्द तर्कशीलता दे उत्पाद वजों प्रोडक्ट वजों रखते हैं। नैक्सट है कल्चरल फैमिनिज्म, सभ्याचारक नारीवाद। सभ्याचारक नारीवाद औरतों दीआं जिहड़ीआं सारीआं पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स ने उन्हां नूं मनाउण दी इच्छा रखदा है। जिहड़ा सभ्याचारक नारीवाद है इहदी लहर दा इह मनणा है कि फैमिनिज्म नूं उत्साहित करना चाहीदा है, ना कि मर्दानता नूं। वो मानते हैं कि औरतां कुदरती तौर पर मर्दां नालों वधेरे दयालु होंदियां ने, सॉफ्ट हर्टड होंदियां ने ते इमोशनली साउंड नहीं होंदियां। नैक्सट है ग्लोबल फैमिनिज्म, ग्लोबल नारीवाद। नारीवाद की जिहड़ी पहुँच है मुख तौर पर यह चिंतित है ये बारे कि किवें ग्लोबलाइजेशन ते जिहड़े सरमाएदार राष्ट्रवाद ने नस्लां लिंग ते वर्गां दे लोकां नूं प्रभावित करदे ने, ते जिहड़े ग्लोबलाइजेशन अंदोलन ने उन्हां दी इक लड़ी नूं होर मजबूत करदे ने। मीनस ये ग्लोबल लैवल ते वर्ल्ड लैवल ते जिहड़ी फैमिनिज्म दी अप्रोच है, फैमिनिज्म बारे ये विचार वटांदरा करदे ने। नैक्सट है इस्लामिक फैमिनिज्म, इस्लामी नारीवाद। इस्लामिक नारीवाद इस्लाम दे विच जिहड़ी औरतां दी भूमिका नाल संबंधित फैमिनिज्म दा एक रूप है। इहदा उद्देश की है कि जनतक ते जिहड़ी निजी जिंदगी है उहदे विच बिना किसी लिंग के सारे मुसलमानों की जिहड़ी बराबरता का उद्देश है जो दर्शाया गया है। इस्लामी नारीवादी इस्लामी ढांचे दे विच औरतां दे जिहड़े अधिकार ने, लिंग समानता है ते जिहड़ा सोशल जस्टिस है ये उहदी वकालत करदे ने। नैक्सट है विजनरी फैमिनिज्म, दूरदर्शी नारीवाद। जिहड़े दूरदर्शी नारीवाद की धारणा उहनूं अफ्रीकी ते अमरीकी नारीवादी ने बहुत सारिया जिहड़ियां राइटिंग्स ने लिखतां ने उहनां दे विच वेख्या जांदा है। इह पुरशवाद जात कोई भी वर्ग जां जुलम दे होर जिवें कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो उहदे उपर कारपोरेट नियंत्र है उहनूं चुनौती देण बारे सोचदा है। इह आदमी की भूमिका के उपर भी केंद्रित है, जदों जिहड़ा आदमी है वह फैमिनिज्म सोच अते किरिया नूं गले लगाउंदे ने तां जिहड़े सारे रिश्ते ने आपस दे विच वादे ते जिहड़ी सब हकीकत है उहदे महत्व दे उपर जोर इहदे विच दित्ता गया है। ते उहनां दी जिहड़ी भावनात्मक तंदुरुस्ती है मीनस इमोशनल हैल्दीनैस है उहदे विच वी वाधा कीता जांदा है। नैक्सट है अनारका फैमिनिज्म, अनारका नारीवाद। इस पहुँच का उद्देश उच्च पद्धरी समाजिक ढांचों को तोड़ना है। इहदे विच इह कहा गया है कि औरतां एक स्वैच्छित पितरवादी लड़ी दे विच फसियां होईयां ने जिन्हां दे विच मर्दां दी शक्ति हुंदी है, मीनस सारी जिहड़ी पावर है वह मर्दां दे कोल हुंदी है। इह सुतंत्रता ते मुक्ति ते असमानता दा जिहड़ा विचार है उहदे उपर जोर दिंदा है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच सिर्फ इन्ना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।